देवास जिले के नेमावर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिन दहाड़े प्रशासन की आंखों में रेत माफिया धूल झोंप रहे हैं और इस ओर प्रशासन पूर्ण तरीके से मौन है। रेत का कारोबार लॉकडाउन में भी पूर्ण तरीके चालू है। प्रतिदिन 30 से 35 ट्राली यह रेत नाव के जरिए लाई जाती है, फिर ट्रालियों में भर कर रवाना कर दी जाती है। रेत माफिया इतने निडर है कि उन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं है। थाने से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रेत खनन किया जा रहा है। पुलिस आती है और चली जाती है, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती। खाते गांव से सादिक खान की रिपोर्ट। जान दो नेमावर पुलिस 500 रुपए लेती है। हाँ? अच्छा अच्छा, तो ऐसा कब से 500 रुपए ले रहा हूँ, कब से यह अभी चल रहा है? 3-4 महीने हो गए। अच्छा, एक दिन में कितनी ट्राली निकल जाती होंगी? 35-40 का कमती हूँ। अच्छा अच्छा, स्थानीय नेमावर से निकलती है। गलत है आपका जी, ये लोग नाव से रेत निकाल रहे हैं। जी सर, नाव के में जितने भी केवट समाज के लोग हैं, केवट समाज के अध्यक्ष को बुला करके बहुत पहले लॉकडाउन शुरू होते ही समझा दिया गया था, कोई भी ना तो आदमी को पार करेगा ना कोई रेत धोएगा जी। और हमारी पुलिस सतत निगरानी रखे हुए है जी, ना कोई रेत धो रहा है और ना कोई नदी पार कर रहा है। ये अफवाहें चल रही हैं जी, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। सर, इसका अभी वीडियो भी हैं और मजदूरों का ये आरोप है कि जो स्थानीय पुलिस नेमावर की है वो 500 रुपये ट्राली या 500 रुपये दिन ले रही है, इसके मजदूर का आरोप है। नहीं, ये गलत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।